नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। समस्तीपुर से चुनाव कराकर लौट रहे पुलिस बल और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, 2 दर्जन पुलिस कर्मी घायल, 3 की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु के समीप हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। और बीते दिन AK-47 बरामदगी मामले में पुलिस ने हथियार सप्लायर को धर दबोचा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें ट्रक और बस की टक्कर में 2 दर्जन जवान घायल हुए और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं और इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर से, जहां पर चुनाव कराकर लौट रहे जवान का सड़क हादसा में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर चौक के समीप बड़ी घटना हुई है, जहां पे समस्तीपुर के शिवाजी नगर से जवान चुनाव कराकर लौट रहे थे। आपको बता दें कि असम पुलिस बटालियन 2 के जवान जो है वो 35 की संख्या में बस में सवार थे। इसी दौरान ट्रक और बस में टक्कर हो जाती है, जिससे जवान बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हालांकि सभी जवान को SKMCH लाया गया है, हालांकि 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इंजर्ड जवान की बात करेंगे तो 24 से 26 जवान जो है वो घायल भी बताया जा रहे हैं। 35 जवान सवार थे, जो कि सारण जिला में चुनाव कराने जा रहे थे, इसी दौरान ये बड़ी घटना हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं जो असम पुलिस के जवान है और उनके अधिकारी, वो भी आप सुनिए। आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे, इसलिए पता नहीं ज्यादा कैसे हो गया। बस ट्रक में मारी या ट्रक बस में मारी पता नहीं, लेकिन जब आवाज आया था तभी पता चल गया। कितने लोग इंजर्ड हुए? लगभग सभी लोग, जो जो दस में था ना, 39 लोग थे लगभग, छोटा बड़ा घायल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? विप्लव सचिया। कहाँ जा रहे थे? सारण डिस्ट्रिक्ट। चुनाव के लिए? चुनाव के लिए। कहाँ से आ रहे थे? समस्तीपुर से, शिवाजी नगर समस्तीपुर से आ रहे। चुनाव की ड्यूटी के लिए? कहाँ से आ रहे थे? अरे हम लोग चरण में आ रहा था, ये आपका अवतार नगर। कहाँ जा रहे थे? अभी हम लोग को यह क्या नाम होता है, चरण को लेकर आ रहा था। हाँ, उत्तर नगर वहाँ ड्यूटी के लिए, इलेक्शन ड्यूटी के लिए लेकर आ रहा था। हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले थे। यहाँ में एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हुआ है करीब 12 बजे का लगभग। कितने जवान घायल? टोटल मेरा करीब 36 था। इंजरी आपको पता नहीं है ना, कितना हुआ है देखा नहीं है ना। आपको कहाँ का? हमारा पेड़ पे लगा हुआ। क्या है, हम लोग तो आसाम से आए हैं ना जी। तो हम लोग सरन सबरा जा रहे थे इलेक्शन ड्यूटी के लिए। हाँ, इससे पहले भी कहीं ड्यूटी कर? हाँ, इससे पहले हम समस्तीपुर से आ रहा था। समस्तीपुर से आ रहा था। हाँ हाँ, कैसे हुआ, मतलब कैसे आप लोग जब बैठे हुए थे, क्या आप ऐसे? तो गाड़ियाँ हम लोग आ रहा था और अचानक गाड़ी एक आवाज आया ढांग करके, तो मालूम चला एक्सीडेंट हो गया। हम तो, मेरा तो पीछे से धक्का लगा है, किसी का देखा हम लोग अच्छा ब्लड निकल रहा है, कोई ना मेरा नहीं, जिसका वो अभी तो हॉस्पिटल में अंदर में चला गया। शायद गाड़ी में तो शायद 37 टोटल 37 था, इसमें से 20-25 जैसे लोगों को चोट मिला है। हम तो सुबह 10 बजे समस्तीपुर से निकला था, अभी जा रहा था सरन सबरा डिस्ट्रिक्ट, शायद 12 बजे। देश में भी लोकसभा चुनाव
चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है, ऐसे में देखिए कि जो पुलिस जवान है वो चुनाव कराने के लिए विभिन्न जगह पे विभिन्न जिलों में जाकर चुनाव संपन्न कराते हैं। ऐसे में बिहार में भी असम पुलिस आई हुई है और चुनाव संपन्न कराने के लिए। हालांकि असम पुलिस का एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 24 से 26 जवान जो है घायल हो गए। आपको बता दें कि समस्तीपुर के शिवाजी नगर से चुनाव संपन्न करा के ये सभी जवान छपरा जा रहे थे, इसी दौरान घटना हुई। सर कैसे क्या घटना हुई है? मुझे पता चला एक छोटा ट्रक जो है ट्रक आगे से आके हेड ऑन कोलिजन हो गया, मतलब उसी में बंदे लोग इंजर्ड हो गए। कितने बंदे थे उसमें? बस में आपका 35 बंदे थे। 35 बंदे में अभी यहाँ पे 10 जवान में लेके आया हूँ, उसमें से 3 का थोड़ा ज़्यादा चोट लगा है 3 को, बाकी को भी ट्रीटमेंट मिल गया है और बाकी माइनर इंजरी है उनको हम लोग अभी थाने में रखे हैं ट्रीटमेंट के बाद। कहाँ से आप लोग आ रहे थे चुनाव कराने? हम लोग शिवाजी नगर आपका समस्तीपुर वहाँ से आ रहे थे चुनाव कराने के बाद, अभी हम लोग सारण जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घटना हुई। तो हमारे साथ सर थे रिंकू प्रधान जी जो इंस्पेक्टर भी है असम पुलिस बटालियन 2 के, और इन्होंने साफ तौर कहा है कि 3 जो जवान है वो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, हालांकि और जवान का इलाज चल रहा है। बस में करीब 35 जवान सवार थे जो सारण चुनाव कराने के लिए जा रहे थे। सिटी न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालू में तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क हादसे देखने को मिलता है। वहीं ताजा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदयालू NH 28 का है, जहाँ बुधवार की सुबह एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक ने एक बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने घायल को तत्काल इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों ने ट्रक और ड्राइवर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि आज अहले सुबह एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक मुजफ्फरपुर से भगवानपुर की तरफ जा रहा था, वहीं बाइक सवार भी रामदयालू से भगवानपुर की तरफ से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। सदर थाने की पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसकी MCH भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ है अभी यहाँ पर जी रामदयालू बोलता है भाई, भाई सवार की मौत हो गई है ना? हाँ हाँ। क्या चीज़ से मारा था? डंपर गाड़ी से। पुलिस आई तो बॉडी को ले गई? हाँ बॉडी ले गई मेडिकल। आपका क्या नाम? राकेश कुमार। कहाँ का नाम है? मतलब पुलिस लाइन जो इमलीचट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पूरी दुनिया में डंका बजता है और देश में आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह करने की बात करती है। उन्होंने लोगों से भाजपा उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद को वोट देने की अपील की। छोटे से समय के लिए आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, फिर आगे का कार्यक्रम अभी और लगा हुआ। परसों दसों भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उसमें भी आना हुआ था और अंतिम छोर से अभी मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर लोकसभा का। बहरामपुर में अंतिम सभा भी हुई और कुल मिला के एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पे NDA के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को यहाँ पर विजयी होते हुए हम देख रहे हैं और बड़ा स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो है ये तय कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की झोली में मुजफ्फरपुर का सीट इंकित कर भेज दिया।
तरह तरह की बात उठ रही है, लेकिन जो समाज का अंतिम तबका पे व्यक्ति है, सबसे पहले वही मन बना के बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है, ये कोई प्रादेशिक चुनाव नहीं, हरेक व्यक्ति का जो प्रथम पहचान है वो ये उसका चुनाव है, जो कि सब भारतीय लोग हैं, तो ये भारत का चुनाव है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के नेता सब जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन लोग भी मैनिफेस्टो आधारित बात कर रहे हैं, जिसका एक भी सांसद नहीं है। अब तेजस्वी जी हर जगह घूम रहे हैं, एक तो हम अचंभित हुए, परसों टीवी पे उनका कोई लोकल चैनल का इंटरव्यू देख रहे थे, तो देखे कि घर में अपने इंटरव्यू दे रहे हैं चलते चलते उस पत्रकार को, और दो मिनट के बाद फिर जो है ममता दीदी जैसा तीन भैया सब पर बैठ के, तो पता नहीं क्या लोग बिहार की जनता को समझता है कि जिस तरह से चाहे वैसे घुमा सकते हैं। और ये दिशा देने वाला राज्य है। अगर मेरा मानना है कि अगर आदरणीय मोदी जी का गांधी मैदान का वो ऐतिहासिक रैली अगर नहीं होता, तो हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, पूरा देश देखा तो लाइक अद्भुत योगदान था बिहार की उस रैली का। उसी प्रकार से जो एक आशंका इन लोगों ने लोगों के मन में घोड़ने का तरह तरह से कोशिश किया है कि कन्फ्यूजन बिहार में पैदा, इनकी कोशिश रही, लेकिन जनता एक बात से बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये 2024 का चुनाव जो है एक नीति का चुनाव है, कि सभी चोर एक तरफ है और बनाम मोदी की। हमारे पत्रकार भाई ने ये किसके बारे में मल्लाह के बारे में, जिस मल्लाह को 3 सीट आरजेडी ने दिया और वो तीनों सीट को बेच लिया, उसको मल्लाह के प्रति क्या हमदर्दी है यह खुद दिख रहा है। वह बोल भी नहीं सकता है कि 3 सीट जिसको मिला मल्लाह समाज को देने के लिए, वो एक भी सीट नहीं दिया। क्या आप इसको अंदाज करते हैं कि मल्लाह समाज उसकी बात पर एक भी वोट देगा? कतई नहीं देगा। दूसरी प्रश्न एक पत्रकार भाई ने किया कि बाहरी है आचार्य कृपलानी कहाँ के थे, अशोक मेहता कहाँ के थे, एलपी शाही कहाँ के थे, कैप्टन निषाद कहाँ के थे और जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के थे, ये सारे के सारे आज तक, अजय निषाद कहाँ के, आज तक सारे के सारे लोग बाहरी लोग जिसको मुजफ्फरपुर में सम्मान दिया जिताया, आज राजभूषण निषाद जी पढ़े लिखे डॉक्टर को पार्टी ने भेजा है। कच्चीसराय रोड स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में धूमधाम से मां की जयंती मनाई गई। बिहार की सुप्रसिद्ध मां बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्ध पीठ में मां की जयंती मनाई जा रही है। मंदिर के महंत देवराज जी ने बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन मां की जयंती मनाई जाती है। मां बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं स्वरूप है। मां बंगलामुखी की पूजा कई रूपों में की जाती है। माँ के दरबार में मिट्टी के प्याली में दही, हल्दी और दुभी माँ को अर्पित किया जाता है और इसके बाद भक्त अपनी मनोकामनाओं को माँ के सामने रखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में सहस्त्र दल यंत्र भी स्थापित है, जिसकी विशेषता ये है कि यहाँ 10 महाविद्या, 18 महाविद्या और 108 विद्या की साधना की जाती है। वहीं सहस्त्र दल यंत्र पर यंत्राभिषेक भी किया जाता है, जिससे माँ की कृपा की प्राप्ति होती है। जय माँ बगलामुखी। जैसे कि आज एक मान्यता के अनुसार आज माँ की जयंती मनाई जा रही है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन को माँ की जयंती मनाई जाती है। ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की तिथि जयंती चतुर्दशी होम तिथि
के दिन रात्रि काल में माँ का अवतरित दिवस हुआ था, तो उस दिन भी माँ की मुख्यतः जयंती मनाई जाती है, विशेषता उसी दिन मनाई जाती है, पर एक मान्यता के अनुसार आज भी मनाई जाती है। जैसे कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं स्वरूप है, माँ को अष्टम स्वरूप में स्तंभन देवी का स्वरूप कहा जाता है, और माँ षटकर्म की भी अष्टधात्री है, माणन मोहन उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण की भी माँ अष्टधात्री है। जो भी साधक माँ बगलामुखी की साधना करते हैं उसे षटकर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्तों के कल्याण के लिए माँ की पूजा की जाती है। माँ के दरबार में मिट्टी के प्याले में दही हल्दी एवं दूधी माँ को अर्पित किया जाता है, जो मनोकामना पूरक प्रसाद माना जाता है। प्रसाद को माँ को अर्पित करके जो भी भक्त अपने जीवन में कोई मनोकामना या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान है, उस समस्या से मुक्ति पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में देखते हैं कि माँ 10 भुजा में विराजमान है, जो पौराणिक काल से ही माँ ये मंदिर जो है ये पौराणिक काल से ही भक्तों के लिए कारगर रहा है। करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना साधना पूजा हवन पाठ करते हैं और अपनी समस्याओं से निवारण पाते हैं। माँ के समक्ष यहाँ सहस्त्र दल यंत्र है, जो मनोकामना पूरक यंत्र है। इस यंत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पे 10 महाविद्या 18 महाविद्या एवं 108 विद्या की भी साधना, यहाँ तक कि 7 करोड़ मंत्र संसार में है, उस मंत्र में से किसी भी मंत्र की साधना अगर इस यंत्र पे की जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और खास करके आपने अभी तक सुना होगा कि रुद्राभिषेक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक विशेषता यहाँ है कि यहाँ यंत्राभिषेक भी कराया जाता है। यंत्राभिषेक करने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और त्रिकाल देवी की प्राप्त होती है, साक्षात माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्या की स्वरूप है यहाँ पर, उनकी भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। और इन पूजा करने से भक्तों के जीवन में आए हुए कई प्रकार की समस्या, जैसे अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप कोर्ट कचहरी से बाधा में हुए, आपके घर में आपकी बेटी की विवाह नहीं हो रही, बच्चे को संतान नहीं हो रहा, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए माँ बगलामुखी की। शेरपुर NH के समीप वाटर वैली का भव्य शुभारंभ किया गया, पहले ही दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। गर्मी में जिस चीज का लोगों को इंतजार था, यानी शहर के लोगों को जो इंतजार था, वाटर वैली खुल गया है। ये कच्ची पक्की से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, काजी इंडिया के समीप पकड़ते हैं, और ये देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से आज शुभारंभ हुआ, क्या फैसिलिटी है। इन तमाम चीजों को यहाँ के प्रबंधक है उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये शहर से काफी नजदीक है। क्या सोच के कॉन्सेप्ट है ये वाटर पार्क यहाँ पर डाला है? देखिए, मुजफ्फरपुर के आसपास एक भी वाटर पार्क नहीं था, और चूंकि ये शहर से नज़दीक है तो पब्लिक का ही बहुत डिमांड था, तो हम लोग ने इसको डाला है। और ये बच्चे और फैमिली के लिए ही बहुत ही उनके तरीके से हम लोग सोच के बनाया है, जिसमें हम लोग बच्चे के लिए मल्टीप्ले है, 4 लेन है, वेब पूल है, आपका टावर स्लाइड है, सबसे आपका बेहतरीन वाटरफॉल है, जिसमें आप कहीं भी इंजॉय करने जाइए लगे कि हम जैसे पहाड़ से झरना से पानी गिर रहा है, वैसा जैसा फीलिंग आएगा, वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। ये बताइए ना, चूंकि ये बजट के अनुसार आप लोगों ने रखा है, चूंकि काफी संख्या में लोग शहर के लोग यहाँ आएंगे, चूंकि गर्मी का सीजन है, बच्चे हो बूढ़े हो वाटर पार्क जाना चाहते हैं, उनका ख्याल रखा है पूरी कंप्लीट फैमिली का? देखिए, हम लोग बजट में ही रखे हैं, सैटरडे संडे 700 रखे हैं और अदर डे 600 रुपया रखे हैं, और हम लोग मार्केट में एक बुकलेट भी लॉन्च किए हैं। अगर वैसे फैमिली है जो वाटर पार्क मान लीजिए सीजन में 2-3 बार अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो वो बुकलेट में ले सकते हैं। मेरा बुकलेट का रेट 1200 रुपया है, जिसमें हम लोग 2 फ्री देते हैं। पूरी फैमिली के साथ है, मान लीजिए कि ये एक आधे घंटे का तो नहीं होगा, लगभग 2-3 घंटे लोग यहाँ पर बिताएंगे, उस दरमियान खाने पीने का कुछ स्टैंडर्ड लेवल का कुछ व्यवस्था क्या? देखिए, खाने पीने का बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का हमारे यहाँ है, अपना फूड कोर्ट है, और जो भी आइटम हम लोग बना रहे हैं वो सारा घी का आइटम है, तो घी का आइटम हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोग भेज चालू किए हैं, टोटल भेज है, नॉन वेज का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, तो भेज हम लोग प्योर घी में दे रहे हैं। ये बताइए ना कि ये बिहार में काफी वाटर पार्क है, आप कुछ अलग उतारे हैं क्या कि जो लोग यहाँ पर अट्रैक्शन के भाव से आए? देखिए, हम लोग कोशिश तो किए हैं, जिसके लिए हम लोग वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्क में वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट है नहीं, वेव पूल रहता है, 4 लेन रहता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नया किए हैं, वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट लाए। तो मतलब कंप्लीट फैमिली आएंगे और फुली एंजॉय?
जी जी बिल्कुल, पूरा कंप्लीट आके फैमिली पूरा एंजॉय कर सकते हैं। कुछ युवा है जो, चूंकि आज ओपनिंग डे है, उन लोगों से बात करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, और किस तरीके का कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत मजा आ रहा है जी, शहर से नजदीक है ना जी, बहुत पास में है, इसलिए तो हम लोग आ गए आज फर्स्ट दिन है। आप बताओ कि किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं? काफी अच्छा एंजॉय लग रहा है, मुजफ्फरपुर में पहली बार इतनी स्लाइडरों के साथ और वेव डांस के साथ मुजफ्फरपुर में अपनी पहली बार स्विमिंग पूल खुला है। वेव डांस उत्तर बिहार में किसी भी वाटर पार्क में नहीं? अभी तक तो नहीं था, लेकिन पहली बार वाटर वैली में हुआ है। देख सकते हैं कि जो चूंकि ओपनिंग का आज डे था और कितनी भारी संख्या में लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में ये शहर का एक एंजॉय का हब बनने वाला है वाटर वैली। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। आमगोला स्थित एक निजी होटल के सभागार में निर्दलीय प्रत्याशी सामाजिक कार्यकर्ता नीलिमा कुमारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता नीलिमा कुमारी उर्फ नीलिमा अडिग ने मुजफ्फरपुर को आर्थिक समृद्धि देकर इसे बिहार की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का वादा मुजफ्फरपुर की जनता से किया है। नीलिमा कुमारी पिछड़ा वर्ग से आती हैं और उन्होंने पिछले दो दशकों से सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा की है। बुधवार को मुजफ्फरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी नीलिमा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों पर जमकर आरोप लगाया। नीलिमा का कहना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने मतदाताओं से प्रत्याशी चुनने का अधिकार भी छीन लिया है। जिन्हें जनता ने पहले से रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें इन दोनों दलों ने मैदान में उतार दिया है। एक तरफ जहां भाजपा से बे टिकट किए गए अजय निषाद मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, वहीं दूसरी ओर जिसे मुजफ्फरपुर की जनता ने 5 साल पहले 4.5 लाख वोटों से हराया था, वहीं राजभूषण चौधरी आज भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि दलों के दलदल से मुजफ्फरपुर को मुक्त कराना ही उनका संकल्प है, इसलिए वह इस चुनावी मैदान में उतरी है। लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था, इसलिए मेरा निर्णय जो है चुनाव लड़ने का हो गया, क्योंकि जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसको जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, और जनता को जो चुनने का अधिकार दिया गया है उसका हनन जो है राजनीतिक दल कर रही है। वो हमारे ऊपर रिजेक्टेड कैंडिडेट को जो जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है चाहे एनडीए गठबंधन का, वो मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे ऊपर वो थोपा गया। यही कारण था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, मत देने के अधिकार को बचाने के लिए ये मेरा निर्णय है कि मैं जनता की आवाज़ बनके चुनाव लड़ूं। पिछले इलेक्शन में जो अभी एनडीए के उम्मीदवार है वो 4 लाख मतों से यहाँ से हारे हैं, तो जनता का रिजेक्शन हो गया। और अजय निषाद जी को जो 10 साल से रहे थे सांसद, उनके कार्यकलाप के कारण उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जनता उनको पहले रिजेक्ट कर चुकी थी सर्वे, तो वो रिजेक्टेड माल को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना था। तो जनता के पास चॉइस कहाँ है? जनता को चुनने का अधिकार छीन लिया इन राजनीति को। क्या उनके पार्टी में वैसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको वो उम्मीदवार बना के पेश करती, जनता के सामने लाती? जी मैं दोनों मुख्य राजनीतिक, मैंने जीतने की बात नहीं की, दो जो मुख्य राजनीतिक विचारधारा की दो मुख्य गठबंधन जो है भारत में, जो भारत का ग्रामीण प्रवेश का होता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है न कि ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो मुख्य धारा के दो दल है, दो गठबंधन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी जो उम्मीदवार खड़ा हुए वो जनता से उनका संबंध स्थापित होते होते समय लग जाए। पहला एजेंडा है जनता को उनको चुनने के अधिकार से वंचित होने से बचाना। दूसरा एजेंडा है शैक्षणिक गौरव को, जो मेरा मुजफ्फरपुर का शैक्षणिक गौरव था उसको पुनः स्थापित करना, शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शिक्षा, जो कि मैं 1 से 10 तक का फ्री दूंगी बिहार के बच्चों को, जो कि सिविल सेवा के शिक्षक जो पढ़ाएंगे तो वह स्तरीय शिक्षा उन लोगों को उस लेवल का मिलेगा ताकि किसी भी सरकारी नौकरी के लायक वो बन सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है।
तीसरा मेरा उद्देश्य है आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बनाना, पॉकेट इंडस्ट्री के रूप में 50,000 रुपया प्रति परिवार इनकम का व्यवस्था करने का करना, और चौथा मेरा है महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, जो उनको अधिकार है वो सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं धरातल पर उतर सके, ये प्रयास रहेगा। निर्दलीय होके मैंने मानवाधिकार के क्षेत्र में 20 साल काम किया है, मानवाधिकार ही मेरा पैशन रहा है, और जिसका पैशन 20 साल ऑलरेडी उस फील्ड में कर चुके हैं हम, और महिलाओं के आरक्षण जो मिले हैं लोकल बॉडीज में उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है, जुडिशियरी में जो आरक्षण मिला उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं को 50% स्कॉलरशिप देने का मैंने काम किया है, तो सरकार का जो था ना कि 35% रिजर्वेशन, तो जब तक वो शिक्षित ना होगी तो वो लाभ कहाँ मिल पाएगा सभी वर्गों, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है, और जब मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं उस लेवल पे भी पहुँच, क्योंकि मैं एक औद्योगिक फैमिली घराने से भी उद्योग को कैसे पॉकेट में बनाया जाता है, उसको आयात निर्यात से कैसे जोड़ा जाता है, इसका भी मुझे बचपन से एक्सपीरियंस है, और सामाजिक कार्य का भी एक्सपीरियंस है। मेरा नाम नीलिमा अडिग हुआ, उर्फ नीलिमा कुमारी, और मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स में किया है, और लॉ में भी मैं स्नातक रही हूँ, और साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मल्टी डायमेंशनल फील्ड रहा है। बीते दिनों पुलिस द्वारा पकड़े गए AK-47 मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लायर को धर दबोचा। मुजफ्फरपुर में AK-47 की बरामदगी मामले में हथियार के मुख्य सप्लायर अहमद अंसारी की गिरफ्तारी की गई। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते दिनों जिले के फकुली थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई के बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, और ट्रेन से कैरी करके लाई जा रही AK-47 हथियार के पार्ट्स अलग अलग हिस्से में बरामद किए गए थे, जिसके बाद पकड़े गए बदमाशों से सघन पूछताछ के बाद हथियार की सप्लाई करने वाले सरगना अहमद अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद बिहार STF और मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए नागालैंड के दीमापुर इलाके से मुख्य सरगना और गैरेज के संचालक को पकड़ा, और कड़ी पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेजा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, UA एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम, हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल
विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य राम कृष्ण मिशन, नवोदय लेटर हार्ट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है, साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। बिहार विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में रसायन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बुधवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के रसायन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में नेशनल सेमिनार ऑन इमर्जिंग ट्रेड्स इन अप्लाइड केमिकल साइंस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर एस दुबे ने व्याख्यान के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बदलते परिवेश में भारत में नए नए शोध होने चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होने के साथ साथ विकास भी सुनिश्चित हो। आने वाले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी लीड एनर्जी का कोर सोर्स हो सकता है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। वहीं कार्यक्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि MOU हो जाने से बिहार यूनिवर्सिटी के शोध छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च करने में मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। कार्यक्रम के सचिव प्रोफेसर नवीदुल हक ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में शोध छात्रों को मदद मिलेगी। इस सेमिनार में देश के विभिन्न संस्थानों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। मैं ये मानता हूँ कि आज का दिन BRA बिहार विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस सेमिनार में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं। तो इमर्जिंग माने केमिस्ट्री की फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे बच्चों को, इस सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे माननीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह MOU लाइव होगा, रियल MOU होगा और हमारे फैकल्टी हैं छात्रों और प्रोफेसर को MOU साइन से क्या सबसे बड़ी बात है कि हमारे PG और PhD अप्लाइड केमिकल साइंस पर आज सेमिनार हुआ, इसका क्या कुछ मुख्य बात है? आज के इस सेमिनार में देश के बड़े बड़े जो रसायनविद हैं, केमिस्ट्री जानने वाले लोग वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और उद्घाटन सत्र के दौरान लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि केमिस्ट्री विषय से संबंधित क्या क्या जो नए नए शोध आजकल की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो समय बदल रहा है हमारे, जिसे एनर्जी के लिए हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए, उस प्रकार किस प्रकार से हम ग्रीन एनर्जी ले आएँ पेट्रोलियम एनर्जी के बदले। सेमीकंडक्टर्स की बात हुई, चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम नए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाएँ ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण हो सके। उसके साथ साथ नैनो मटेरियल्स, किस प्रकार से नैनो मटेरियल्स बनाए जाएँ, जो कि नैनो मटेरियल का दायरा बड़ा व्यापक है, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ जो हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन के फार्मुलेशंस वो हमारे इको फ्रेंडली हों, जो पर्यावरण के अनुकूल हो,
सेमिनार का आयोजन किया गया, उसका मुख्य सिनेरियो क्या रहा, क्या क्या चीजें बातें सामने आई और किन बिंदुओं पर फोकस किया गया? देखिए, जो आजकल जो हम माननीय प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है, उसी की एक छोटी सी कड़ी के तौर पे आप इस नेशनल सेमिनार ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अप्लाइड केमिकल साइंसेज का आयोजन किया गया कि जो छात्र हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर सके कि रिसर्च को टेकअप करें एज ए कैरियर, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो किसी का भी डेवलपमेंट और विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। हम लोग दूसरे के टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे, और इसमें जो माननीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति जी, हमारे कुलपति माननीय दिनेश चंद्र राय जी और प्रोफेसर एन बी सिंह जी ने कीनोट एड्रेस दिया, उन लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, और जो नई ये आ रही है टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ प्रोफेसर रंजीत वर्मा जी ने नगर थाना क्षेत्र के जोहरलाल रोड में मंगलवार की देर शाम शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। मंगलवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के जोहरलाल रोड में शांति ट्रेडर सहित तीन दुकान में अचानक आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो बड़ी और एक छोटी गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। इस घटना में 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दो बड़ी और एक छोटी गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो सारे लोग देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगी थी कि हमारे मित्र यहीं फंसे हुए थे, वो फोन किए तो हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, 112 पर फोन किया तो फायर ब्रिगेड पहुंची है, तो इस आग पर काबू पाई गई है। लगभग क्षति तो 4-5 लाख का क्षति है। नहीं नहीं, कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। यहाँ पर जवाहरलाल रोड में आग लगी थी, मैंने दो छोटी गाड़ी और दो बड़ी गाड़ी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, प्लास्टिक का दुकान है उसी में आग लग गई है। क्षति का अनुमान तो अब क्षति आकलन के बाद में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दर्पण पत्रिका का प्रथम अंक का लोकार्पण किया गया। आज जिले के जवाहरलाल रोड स्थित उत्तर विहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में दर्पण त्रैमासिक पत्रिका का प्रथम अंक का लोकार्पण किया गया। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने बताया कि पुस्तक के लोकार्पण करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी व्यावसायिक वर्ग को व्यावसायिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि एवं सरकार के द्वारा पेश किए गए गजट की जानकारी नहीं मिल पाती थी, जिसके लिए व्यवसायियों को अखबार का सहारा लेना पड़ता था। अब इस त्रैमासिक दर्पण पत्रिका के लोकार्पण के बाद हमारे व्यवसायी को इस पत्रिका के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाएं, व्यवसायिक गतिविधि आदि की जानकारी पत्रिका के माध्यम से मिलेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 600 व्यवसायियों के बीच यह पत्रिका बांटी गई है। पुस्तक का जो लोकार्पण किया है हम लोग नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हम लोगों ने यह तय किया कि जो भी व्यवसायिक गतिविधि है या औद्योगिक गतिविधि है, इसके अलावा सरकार जो समय समय पर इससे संबंधित जो भी गजट वगैरह प्रकाशित करती है या समाचार पत्रों के माध्यम से जो विभिन्न समाचार जो व्यवसाय और उद्योग से संबंधित होते हैं, तो उसकी जानकारी बहुत ज्यादा हमारे व्यापारियों को नहीं मिल पाती है। तो परिषद ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को एक पत्रिका निकालनी चाहिए, जिस पत्रिका के माध्यम से हम लोग जो भी सरकार का जो गजट है, अधिसूचना जो जारी होती है या जो भी सूचनाएं मिलती है, जिससे कि व्यापारियों को जानना आवश्यक है, तो वैसी जानकारियां पहुंच सके हमारे व्यापारियों के पास। इस दृष्टिकोण से परिषद ने यह निर्णय लिया कि हम लोग त्रैमासिक एक पत्रिका दर्पण के नाम से निकाले और इसको हम लोग अपने व्यवसायियों और उद्यमियों तक पहुंचाने का काम। कितने दिनों पे हम लोग 3 महीने पर एक अंक निकालेंगे, त्रैमासिक होगा ये हम लोगों का। जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर लगातार संघर्ष करते हुए सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए सशक्त और संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से भाजपा ने कैलाशपति मिश्र के बाद अपना सबसे मजबूत स्तंभ सुशील मोदी को खो दिया। उनके जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है वह कभी भरा नहीं जा सकता। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। परसों रात हम सबों के अभिभावक पार्टी के स्तंभ सरदे सुशील कुमार मोदी जी की मृत्यु हो गई। कल उनका पटना के दिग्गा घाट पर दाह संस्कार हुआ। उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे पीरपैंती के माननीय विधायक ललन पासवान जी, हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र सिंह जी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। सभी लोग बहुत ही मर्माहत थे। निश्चित तौर पर जब घर का एक अभिभावक चला जाता है तो बच्चों को बहुत दुख और तकलीफ होती है। सर्वप्रथम आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे और ऐसे दुख के घड़ी में उनके परिवारजनों को एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो साहस हो दे कि वो अपने आप को संभाल सके। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर से सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा ही विशेष लगाव था। आप लोगों को भी याद होगा, कोई भी ऐसा चुनाव आज तक नहीं गुजरा है जो चुनाव प्रचार का समापन कराने के लिए सुशील मोदी जी यहाँ पे रोड शो किया करते थे। इस बार के भी चुनाव में उनकी कमी, जिस दिन चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा हम लोगों को इसका बहुत ही अफसोस होगा कि आज सुशील कुमार मोदी जी हम लोगों के बीच में नहीं है। जिस प्रकार से कैलाशपति मिश्र जी के जाने के बाद से एक स्तंभ और एक आधार बनकर के जिस तरह से पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया और आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई तक पहुंची है, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का है। आज उनके चरणों में पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों से हम लोग एक आशा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।